चाय पिलाओगे? चलो फालतू आ भाई, आप माशाल्लाह जो टैलेंट हमारे पाकिस्तान का है, आपने इस इंडस्ट्री को सर्व किया है मोर देन 20 इयर्स आपने सर्व किए इस इंडस्ट्री को। तो जो नए आने वाले हैं जो इस तरह कॉमेडी करना चाहते हैं, गेटअप करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उन लोग क्या मशवरा देंगे कि वो इस फील्ड में जब आ रहे हैं तो क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और हाउ शुड दे डेवलप, किस तरह ग्रो करना चाहिए? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे बच्चों में पूरी सी क्या है जल्दबाजी, उन्होंने माशाल्लाह गुड लुकिंग हो जाते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं। देखिए काम क्या होता है, आपको जो कैरेक्टर करना पड़ता है तब आपकी नफी करनी, साथ को नफी करनी, साथ नफी करनी, हर आदमी चाहता है हीरो बनकर आऊँ, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, फिल्म एक ही होगा, हाँ फिल्म एक ही हीरो होगा, आप उसका दूसरा पॉजिटिव कैरेक्टर कर सकते हैं, उस पर आप हीरो बन सकते हैं। लोग शॉर्टकट पर लगे, मैं बोलता हूँ इस काम के थोड़ा सबर चाहिए, तहमल चाहिए और वक्त का इंतजार करें। ये वक्त आपका भी आना, जैसे आपका आना है और माशाल्लाह आ चुका है, आप भी बहुत गलत कुछ क्या थे और आप माशाल्लाह क्या है, आप माशाल्लाह भी लोग आपकी वीडियो शेयर हो रही है, लोग देख रहे हैं, बड़ी बात है। और मैंने पहले मैं बेसिकली टेलर मास्टर था और बहुत अच्छा अपने भाई की शॉप पे काम करता था, जिंदगी ने करवट बदली, मीडिया लाइन में चला गया, वहाँ पर भरपूर मेहनत करी, जियो पे काम किया, जियो पे काम करने के बाद मैंने 18 साल आज टीवी पे दिए एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव जो आप कह रहे हैं सेंसर डिपार्टमेंट का अहम जिम्मेदारी की भाई, फिर अल्लाह से दुआ किया पाक इस मीडिया लाइन से डाल दे, कोई अच्छी लाइन में डाल दे, खिदमत में डाल दे, किसी की फेलो वर्कर में डाल दे। तो बस ऐसे ही जब मैं अमेरिका गया शो करने के लिए तो वहाँ मेरी मुलाकात अमीर मखानी साहब से, तो वो मेरे टैलेंट से बड़े इंस्पायर हुए, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और वो चाहते थे कि मैं अमेरिका में उनके साथ ट्रेनिंग में काम करूँ। तो मेरे बच्चे हिज कर रहे थे, मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं सर मैं नहीं कर सकूँगा, मैं पाकिस्तान में हूँ। लेकिन उनकी मोहब्बत थी, उनकी लगन थी और शायद मेरा अल्लाह ने ट्रेन चेंज करना था तो अल्लाह ताला ने उनको मुझे मेरा मसीह बना दिया, बॉसिंग बना दिया, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा मेरा भी काम करे। तो बस मैंने बिना कुछ सोचे समझे, मैंने भी अल्लाह से दो दिन अल्लाह तुम्हें जवाब बना दे और बिना सोचे समझे अपने 18 साल की नौकरी को खैरबान था और अल्लाह तौर पर मैंने इस फील्ड में कदम रखे, जबकि मेरी कोई उस पर तजुर्बा नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर था मैं हुनरमंद हूँ, मैं टेलर मास्टर हूँ, मैं काम सिखाऊंगा तो इंशाल्लाह मेरा कुछ आगे से कदम है। अल्लाह का करना ऐसा हो कि मैंने 3 कमरों से काम शुरू किया और आज 3 मंजिला में करा, पहले मैंने सिर्फ 70 रुपये काम सिखा था, आज मेरा स्टूडेंट की तादाद कम से कम 320 रुपये था। तो ये सब अल्लाह का करना है, जो जब चाहे जिसको 30 लाख में बदल दें। जी जी माशाल्लाह। नाज़रीन हमें बताता चलूँ कि मखानी वेलफेयर एक लास्ट इनका इवेंट हुआ था जो कि सितंबर के मंथ में ही था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, वो प्रेशर होमी और 300+ स्टूडेंट्स को इन्होंने ग्रेजुएट सेरेमनी में सर्टिफिकेट दिए और हुनरमंद बनाया लोगों को। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपना मीडिया भी करते रहे, आपके बहुत सारे फैंस हैं, आपको देखना चाहते हैं और बहुत शुक्रिया आज आपके टाइम का। थैंक यू।